नमस्कार दोस्तों। तो तीन अलग अलग रीज़न हैं अलग स्टॉक के क्रैश होने के, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी, अगर मैं कहूँ ग्रीन एनर्जी का, सेम रीज़न है और बाकी स्टॉक्स का अलग है। तो सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर सब स्टॉक्स के बारे में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। देखिए, एक तो बेसिक रीज़न तो सबको बताया, निफ्टी 50 नीचे गिरा है तो सारे स्टॉक्स पे इंपैक्ट तो पड़ेगा। कितना नीचे जाएगा, ये स्टॉक्स भी नीचे जाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट सबसे जो मेन रीज़न है ये नहीं है अडानी ट्रांसमिशन अडानी पावर का। सबसे जो मेन रीज़न है, देखिए 4% के करीब अडानी ट्रांसमिशन गिरा है। देखिए वैल्यूएशन भी बहुत मैटर करती है, ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन आप कुछ भी रख दीजिए। और अडानी ग्रीन एनर्जी तो देखिए 3000 जब गया था उसके बाद से लगातार नीचे ही नीचे आता जा रहा है। एक बार ऊपर चढ़ा देते हैं फिर नीचे गिर देते हैं स्टॉक को। क्यों कह रहा हूँ, अडानी ट्रांसमिशन 366 के पी रेशियो पे बैठा है, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। अगर आप 1 रुपये अर्न कर रहे हो तो 366 रुपये का ये स्टॉक हो रखा है। और जबकि टाटा पावर, जिसके पास सारे के सारे, मतलब एक्चुअली में सारे बिजनेस एक साथ मर्ज है, वो 32 के पी रेशियो बैठा है। अडानी पावर 14 बैठा है, वहां मान सकता हूं मैं कि प्रॉफिट बुकिंग आई है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अडानी ग्रीन एनर्जी और ट्रांसमिशन 697 और 336 के प्राइस पे बहुत महंगे हैं, लोग बेचेंगे प्राइस ये तो बुक होंगे इनमें प्रॉफिट। दूसरा सेम रीजन आपका अडानी एंटरप्राइज के साथ आता है, बहुत महंगे प्राइस पे है। एक स्टॉक जो कि बहुत अच्छा है अडानी पोर्ट्स, इतना महंगा भी नहीं है और ये गुड स्टॉक टू हैव है, इसमें सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसको मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिसके पास भी ये स्टॉक है उसके लिए मतलब आप बाय ऑन डिप रख सकते हैं स्टॉक के अंदर। ये अडानी का वो स्टॉक है जो बहुत सही है। अगला स्टॉक है अडानी विलमार। देखिए इसके साथ दो प्रॉब्लम हुई है, एक तो ये इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगे, पतंजलि फूड सेम सेक्टर है बट महंगा, 113 पी रेशियो पे बैठा है। दूसरा, जो गवर्नमेंट ने कंसेशन जो एक्सपोर्ट जो ड्यूटी होती है एडिबल ऑयल पे वो हटा दी है, जिसकी वजह से फॉरेन प्लेयर आ सकते हैं, तो ये रीज़न है इसके गिरने का। देखिए आप अडानी पावर, अडानी विलमार और अडानी पोर्ट्स में किसी दिन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो महंगे स्टॉक्स नहीं हैं। बट हाँ, बाकी स्टॉक्स महंगे हैं, उनमें प्रॉफिट बुकिंग होगी भयंकर और ऑपरेटर भयंकर गेम खेलेंगे उनमें।